रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के बाद हर जगह छा जाने वाली रश्मि देसाई के अगर आप भी फैन हैं तो डेफिनेटली आपकी खुशी भी सातवें आसमान पर पहुंचने वाली है। मतलब रश्मि देसाई ने ये साबित कर दिया है, वो टैलेंटेड थी, वो टैलेंटेड हैं और वो अपने टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना कभी नहीं छोड़ेंगी। जहाँ एक तरफ दिल से दिल तक के बाद रश्मि किसी बड़े शो में नजर नहीं आई, हालांकि उनके फैंस लगातार इंतजार कर रहे थे कि रश्मि को जब देखेंगे तो किस शो में देखेंगे, लेकिन रश्मि आफ्टर दिल से दिल तक अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कई तरह की परेशानियों से जूझ रही थी और टीवी पर्दे पर वापस कमबैक करने का शायद उन्हें मौका नहीं मिला। वो बिग बॉस सीजन 13 में आती हैं और इस दौरान द रियल रश्मि देसाई से लोगों का सामना होता है। अब तक रश्मि को आपने बहु शौर्वरी के तौर पर देखा, वैम्प तपस्या के तौर पर देखा, लेकिन आफ्टर बिग बॉस 13 लोगों को जानने का मौका मिला कि रश्मि देसाई मल्टी टैलेंटेड है, वो हर तरह का किरदार प्ले कर सकती हैं। तो बस फिर क्या था, एकता कपूर ने तुरंत रश्मि पर दाव लगाया और रश्मि को अपने सीरियल नागिन सीजन 4 में नागिन बनने का ऑफर दे दिया। रश्मि देसाई नागिन सीजन 4 में नागिन बनकर आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने जो रिपोर्ट पेश करेंगे उसमें आप एकता ने रश्मि को क्यों चुना टू प्ले नागिन कैरेक्टर ये बताएंगे और साथ ही फिलहाल नागिन सीजन 4 की शूटिंग से थोड़ा समय निकालकर देवोलीना भट्टाचार्य के साथ रश्मि देसाई किस अंदाज में मौज मस्ती कर रही हैं, किस तरह से लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, फ्रेंडशिप गोल्स दे रही हैं अपने 3 मिलियन फॉलोअर्स को, व्हाट्स द होल स्टोरी, टेक अ लुक। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के जरिए हर जगह छा जाने वाली रश्मि देसाई को लेकर इस वक्त खबर आ रही है कि वो नागिन सीजन 4 का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। रश्मि देसाई नागिन सीजन 4 में धमाकेदार एंट्री कर देने के लिए तैयार हैं। रश्मि की एंट्री से जुड़ा प्रोमो भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ गया है और प्रोमो से हटकर इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह से रश्मि देसाई अपने करियर की नई पारी जहां शुरू करने जा रही हैं, वहीं रश्मि को एकता कपूर की ओर से बड़ा तोहफा भी मिल गया है। सबसे पहले आपको रश्मि और देवोलीना भट्टाचार्य की मुलाकात की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ बेहद खास फोटोज को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं जिन्हें खुद रश्मि ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। देवोलीना और रश्मि की फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा खास है ये आप सब जानते हैं। तो नागिन सीजन 4 के स्पेशल सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान सबसे पहले एक दूजे के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड किया है रश्मि और देवोलीना ने, और तस्वीरें देखकर आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा इंजॉयमेंट इन दोनों ने की है। फोटोज को शेयर करती हुई रश्मि कैप्शन में लिखती हैं, दैट्स हाउ हैप्पी पॉजिटिव एंड पीसफुल माय स्पेस लुक्स लाइक टू हैप्पी सोल्स। उसके बाद एक और तस्वीर रश्मि शेयर करती हैं, कैप्शन में लिखती हैं, हैशटैग देवोश्मी रीयूनाइटेड अ डे वेल स्पेंट विद माय कांस्टेंट। फिर एक और तस्वीर और कैप्शन में लिखती हैं, यू नो यू आर इन बेस्ट कंपनी व्हेन योर ऑसम फ्रेंडशिप विद योर बडी इंस्टेंटली लाइटन्स अप एवरीवन्स फेसेस। तो रश्मि ने देवोलीना भट्टाचार्य के साथ अपनी दोस्ती पर ये बेहद खास बातें कही हैं तस्वीरों के जरिए कैप्शन के साथ। बता दे आपको रश्मि देसाई काफी ज्यादा चर्चा में हैं, उन्हें चर्चा में अब लेकर आ रहा है उनका सीरियल नागिन सीजन 4। नागिन सीजन 4 में रश्मि की एंट्री हर किसी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। वेल, आपको बता दें एकता कपूर रश्मि देसाई के काफी ज्यादा करीब हमेशा से रही हैं। एकता और रश्मि इन दोनों का बॉन्ड हमेशा से काफी ज्यादा स्पेशल रहा है। इस स्पेशल बॉन्ड का अंदाजा आप लगा सकते हैं इसी बात से जब एकता की वेब सीरीज मेंटल हुड की स्क्रीनिंग का मौका था तब रश्मि को इनवाइट किया गया। तो अब नागिन सीजन 4 के साथ एकता कपूर को
मौका मिला रश्मि देसाई को जोड़ने का और एकता ने बिना देर किए रश्मि देसाई पर दाव लगाया। वेल, आपको बता दें, एकता कपूर खुद इस चीज को मानती हैं कि नागिन सीजन 4 में रश्मि को लाने का बेनिफिट शो की टीआरपी रेटिंग्स पर देखने को मिलेगा। एकता खुद इस बात को मानती हैं कि नागिन सीजन 4 के साथ रश्मि को जो उन्होंने जोड़ा है, इसका फायदा डेफिनेटली शो की रेटिंग्स पर पड़ेगा। दरअसल एकता कपूर जब भी अपने शो के साथ इस तरह के कोई एक्सपेरिमेंट करती हैं, किसी पुरानी एक्ट्रेस को लेकर आती हैं, उसके साथ एकता का प्लान होता है। तो रश्मि को नागरानी बनाने का फैसला एकता कपूर ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ लिया है। अब देखना होगा, एकता ने रश्मि को टीवी स्क्रीन पर एक बड़ा ब्रेक तो दे दिया, लेकिन ये ब्रेक सक्सेसफुल कितना होता है। रश्मि देसाई की धमाकेदार एंट्री जब शनिवार के महा एपिसोड के दौरान हो जाती है, उसके बाद शो की टीआरपी रेटिंग्स किस तरह से आगे जाती हैं, देखना होगा।